हिमाचल प्रदेश में इस बार बर्फबारी नहीं होने से पंजाब और हरियाणा में ज्यादा ठंड देखने को मिल रही। हिमाचल में बारिश न होने से गर्मियों में बिजली, पानी और कृषि के लिए ये चिंताजनक हो सकता है। यहाँ इस साल 122 साल का रिकॉर्ड टूट गया और सूखे के हालात पैदा हो गए। मौसम विभाग के अनुसार अभी हरियाणा पंजाब में ठंड से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहीं यूपी में भी भीषण ठंड का दौर जारी है। शुक्रवार को लखनऊ में दिन में शिमला से ज्यादा ठंडक रही। शिमला में अधिकतम 13.4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि लखनऊ में 12.9 डिग्री रहा। यही नहीं, पांच राज्यों में कानपुर सबसे सर्द रहा, यहां 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो लखनऊ में शुक्रवार को शिमला से ज्यादा ठंडक रही और इसके साथ ही आज 45 शहरों में कोल्ड डे का अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल में बर्फबारी नहीं होने के चलते पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ गई है, ये कहा जा रहा जानकारों की तरफ से, और पहाड़ों पर सूखे का 122 साल पुराना रिकॉर्ड इस बार टूट गया। हिमाचल में बारिश नहीं होने की वजह से यह संभावना जताई जा रही है कि भाई कृषि के लिए ये चिंताजनक हो सकता है, ऐसी आशंका है। और साथ में गर्मियों में बिजली और पानी का भी संकट पैदा होने की आशंका है। 122 साल का रिकॉर्ड हिमाचल में टूटा, सूखे जैसे हालात बन गए। ऐसे में लोगों को तो दिक्कत हो ही रही है ठंड के चलते, कोहरे की वजह से, लेकिन ऐसी स्थितियां, ऐसा मौसम कृषि के लिए भी नुकसानदेह है। टीना ठाकुर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, ब्यूरो चीफ। टीना बताइए, हिमाचल में तो कहा यह जा रहा है कि 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है सूखे का इस बार। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि 122 साल से रिकॉर्ड टूट गया है। जनवरी का महीना जो है बिल्कुल सूखा चला गया है। यहाँ बर्फ तो दूर की बात है, बारिश भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि पिछले दिनों जो मौसम हल्का सा यहाँ खराब हुआ था, ऊंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात जो है वो देखने को मिला था, लेकिन अगर सुबह की बात करें, मनाली की बात करें, कुछ मेन शहरों की बात करें, बिल्कुल सूखे के यहाँ पे हालात है। और ये जो हालात है काफी चिंताजनक है, क्योंकि किसी के लिए तो ये चिंताजनक है ही, लेकिन आने वाले दिनों में गर्मियों में बिजली पानी का जो संकट है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा स्वास्थ्य को लेकर काफी जो है लोगों में वो देखा जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर ये मौसम है ये इसके कारण जो है काफी ज्यादा जो लोग है वो बीमार पड़ रहे हैं। तो हालांकि मौसम विभाग से अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में भी कोई राहत की कोई बड़ी बदलाव की बात नहीं की जा रही है। ये ऐसा जो इस तरह से बताया जा रहा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा है, और इसके कारण जो है वो दबाव नहीं बन पा रहा है, और उस वजह से जो बर्फबारी है वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। अगर हम शिमला की बात करें, शिमला में अगर दिन का हम तापमान की बात करें, दरमियाना तापमान है, रातों को ठंडक यहाँ पे इतनी ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में ये जो आने वाला दिन है गर्मियों के दिन है, तो ऐसे में यहाँ पे जो है हालात काफी चिंताजनक हो सकते हैं। और कृषि और बागवानी, क्योंकि खेत की जो फसल है उसके लिए सीढ़ी आज की जो होती है वो भी यहाँ पे कम्प्लीट नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में कृषि और जो बागवानी करते हैं लोग उनके लिए भी ये हालात जो है चिंताजनक रहने। टीना, जब इस तरीके का मौसम बनता है, आमतौर पर हम देखते हैं सूखे जैसे हालात पैदा होते हैं, तो फिर प्रशासन की तरफ से किसानों को राहत देने के कुछ प्रयास होते हैं, ऐसे कुछ प्रयास, ऐसी कुछ कोशिशें प्रशासन इन हालातों का संज्ञान ले रहा है? अभी देखिए हालात के नजर तो रखे में, लेकिन अभी प्रशासन का ये मानना है कि अभी बहुत ज्यादा जो है टाइम नहीं हुआ है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इम्पैक्ट हो, तो उस लेकर बागवानों ने भी अभी ऐसी कोई आवाज नहीं उठाई है कि उनको कोई मुआवजा चाहिए, कोई राहत की बात इस तरह से किसी की तरफ से उठी नहीं है। लेकिन प्रशासन को इन चीजों पर नजर जरूर रखे होगा, क्योंकि बागवानी के लिए जो हालात काफी चिंताजनक है। जिस तरह से बर्फ अभी नहीं पड़ रही है पहाड़ियों चोटियों पर भी जो है बिल्कुल सूखा इस तरह से जा रहा है, तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर आप हिमाचल की बात करें, हिमाचल की जो नदियां है वहां से ना केवल पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं काफी निर्भर करते हैं, तो अगर आने वाले दिनों में गर्मियों में पानी की कमी होती है, ना केवल पीने का पानी का संकट खड़ा होगा, बिजली का जो पैदावार है सतलज करता है हिमाचल, जो बिजली की करता है सतलज, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो
के 9 राज्यों को हिमाचल बिजली सप्लाई करता है वो सीधे तौर पर प्रभावित होने वाली है। और आने वाले दिनों के लिए अभी जो मौसम जो हिमाचल का बना हुआ है ये बिल्कुल इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता है। प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है हिमपात हो, थोड़ा मौसम बेहतर हो, स्थितियां अनुकूल हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, जानकार क्या कह रहे हैं, क्या स्थिति से राहत मिलती हुई नजर आ रही है हर फिलहाल में? नहीं बिल्कुल, मौसम विभाग से अगर हम मौसम विज्ञानी की बात करें तो यही कह रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पूरी तरह सक्रिय नहीं हो पा रहा है, दबाव नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में भी 25 जनवरी तक की अगर हम बात करें, 25 जनवरी तक का जो अभी आगे पूर्वानुमान लगाया गया है, बिल्कुल मौसम साफ कहा जा रहा है कि मौसम साफ रहेगा। और ऐसे में आप यही मानते चले कि बारिश और जिस तरह से हम मानते चल रहे हैं कि बर्फबारी की उम्मीद जताई जा रही थी वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। अगर आज के मौसम की मैं बात करूँ, हल्के बादल में छाए हुए हैं लेकिन उसके साथ साथ हल्की धूप यहाँ पे खिली हुई है। तो मौसम विभाग यही कह रहा है 25 जनवरी तक ऐसा के मौसम जो है वो बना रहेगा। तो ऐसे में आप मान के चल सकते हैं कि बर्फबारी और बारिश दोनों जो है यहाँ पे 25 जनवरी तक नहीं देखने को मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया टीना, तमाम जानकारी के लिए।